हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कविता कमरे में टीवी चालू करके देखने बैठ जाती है, तभी उसका भाई चीकू हाथ में दो कुरकुरे के पैकेट लेकर वहाँ आता है और टीवी देख रही कविता के हाथ में पकड़ा देता है। कुरकुरे देखकर कविता बोलती है, अबे ओ अकल के दुश्मन, मैंने तुझे पॉपकॉर्न लाने के लिए कहा था, ये 10 रुपए वाले कुरकुरे नहीं। चिल्ला क्यों रही है, पॉपकॉर्न नहीं मिले तो मैं यही उठा लाया। अरे मोहल्ले के दुकानों में क्या अकाल पड़ गया था, एक दुकान पर नहीं था तो दूसरी से ले आता, बता ये उठा कर ले आया। अब जो लाया हूँ ठूस लेना, और वैसे भी मसाला मन चटाकेदार कुरकुरे हैं, एकदम मसालेदार खा तो सही। चीकू तू भी ना, मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न खाए जाते हैं ना कि कुरकुरे। हाँ तो मत खा, ला दोनों पैकेट मुझे ही दे दे, मैं लाया हूँ ना मैं ही खा लूंगा, तू खाली मूवी देख। जाना अब लाया है तो खा ही लेती हूँ, पॉपकॉर्न होते तो ज्यादा अच्छा लगता। चल कोई नहीं, अब इन कुरकुरों से ही काम चला लूंगी। जिसके बाद दोनों भाई बहन कुरकुरे खाते हुए मूवी देखने लगते हैं, और वो कुरकुरे कविता को इतने पसंद आते हैं कि वो कुछ ही देर में पूरा पैकेट खा जाती है और चटकारे लेते हुए बोलती है, ओए होए होए होए, ओए कुरकुरे, चीकू क्या बात है, ये कुरकुरे तो बड़े चटपटे, कसम से बड़े मसालेदार थे। इतना कहकर वो उसके पैकेट में से कुछ कुरकुरे निकाल कर खा जाती है। तभी उसकी माँ कावेरी वहाँ आती है और चीकू गुस्से में आकर बोलता है, ओ अपना पैकेट तो फट से सफा चट कर गई, हाथ पीछे कर वरना मुक्के खाएगी। दो कुरकुरे के लिए रो क्यों रहा है, क्या हो गया, अभी तो दोनों शांत बैठे थे, और ये क्या कचरा चबा रहे हो दोनों। ओहो माँ, इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि हम कचरे जैसा कुछ भी अंट शंट चबाने लगेंगे, अरे फिल्म देखते हुए तो हम मस्त मसालेदार कुरकुरे खा रहे थे। लो माँ आप भी खाओ। ना ना मुझे नहीं खाना, तुम ही दोनों ठूसो। ओए चीकू माँ तो खाने से रही, ला तो मुझे ही दे दे। ले भी खा रहे मर, तू ही खा ले। माँ मैं जा रहा हूँ दोस्तों से मिलने, 2 घंटे बाद लौटूंगा। इतना कहकर चीकू उसके हाथ में कुरकुरे का पैकेट पकड़ा कर निकल जाता है और कविता गपा गप कुरकुरे खाती है। ऐसे ही समय बीतता है और वो कुरकुरे उसे इतने पसंद आते हैं कि एक दिन वो दुकान पर कुरकुरे खरीदने जाती है और दुकान वाले से बोलती है, भैया जरा 10 वाले कुरकुरे दे रहे हो। कुरकुरे अच्छा, पर कुरकुरे का कौन सा फ्लेवर चाहिए। फ्लेवर, अरे भैया कुरकुरे मांगे हैं, आइसक्रीम नहीं। अरे तो मैं भी कुरकुरे का फ्लेवर पूछ रहा हूँ, आइसक्रीम का नहीं। अरे भैया वो 10 वाला संतरी पैकेट वाला आता है ना कुरकुरे, वही दे दीजिए। अच्छा तो ऐसे बोलो ना मैडम कि मसाला मंच कुरकुरे चाहिए, अभी देता हूँ। मसाला मंच, भैया कितने फ्लेवर है कुरकुरे के। क्यों आपको सभी चाहिए क्या। ले लेती हूँ, आज ही सब खा के देख लूंगी। हाँ हाँ भैया दे दो, अभी देता हूँ। इतना कहकर दुकानदार उसे कुरकुरे के 7 पैकेट लाकर देता है जो अलग अलग कलर के होते हैं। उन्हें लेकर वो घर आकर टेबल पर पटक देती है। इतने सारे कुरकुरे देखकर उसकी माँ कावेरी बोलती है, ओ इतने कुरकुरे कहाँ से उठा लाई, कहीं अपनी सहेलियों के साथ कुरकुरे पार्टी करने का इरादा तो नहीं है। क्या बात है, कुरकुरे पार्टी, माँ आइडिया बुरा नहीं है। वैसे देखो माँ कुरकुरे में भी कितने सारे फ्लेवर होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, इसीलिए चखने के लिए मैं सारे ही ले आई। अरे ये क्या बाजार लगा रखा है, ओहो इतने कुरकुरे बेचने निकली है क्या। हाथ मत लगा दियो, सारे के सारे मैं लेकर आई हूँ। हाँ तो क्या हुआ, वो भाई है तेरा, 1-2 पैकेट दे दे उसे भी। माँ इसे चाहिए तो अपने लिए खुद ले आएगा ना, ये सारे पैकेट मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, मैं सारे खाकर देखूंगी कैसे हैं। रहने दो माँ, इससे बहस करने के मूड में नहीं हूँ मैं, इसे इसके कुरकुरों के साथ छोड़ो, आप मेरे लिए पास्ता बना दो, मेरा बड़ा मन है पास्ता खाने का। चीकू और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद कविता एक एक करके कुरकुरे का हर फ्लेवर ट्राई करती है, जैसे चिली चटका, नोटी टमाटो, पॉपकॉर्न, मसाला ट्वीट, ग्रीन चटनी। ऐसे ही वो कुरकुरे के 7 पैकेट चट कर जाती है और जाकर सोफे पर पड़ जाती है। तभी कुछ देर बाद में उसकी माँ उसे रात के खाने के लिए बोलती है, चल मैंने खाना बना दिया है, ठंडा हो जाएगा, चलकर खा ले। नहीं माँ मुझे नहीं खाना खाना, अरे मेरा पेट गले तक एकदम फुल है, खाने की तो जगह ही नहीं है।
ओहो, ऐसा क्या खा लिया तूने? माँ, मैंने ना कुरकुरे के 7 पैकेट खा लिए। वाह माँ, क्या स्वाद था। हर एक फ्लेवर एक से बढ़कर एक था। और वो चिली चटका, वो वाला तो मेरा फेवरेट पैकेट हो गया। हाय राम, तेरा पेट है कि कुआ? 7 पैकेट निकल गई। अरे इतनी क्या जल्दी थी, एक साथ ही सारे पैकेट हफ्सी की तरह खा गई। अरे माँ, इतने टेस्टी, खट्टे मीठे तीखे मसालेदार चटपटा, मजा ही आ गया खाकर। लेकिन माँ, अब थोड़ा दर्द हो रहा है पेट में। अरे क्या हुआ? माँ, लगता है जाना पड़ेगा। अभी कहाँ जाना पड़ेगा? वॉशरूम। इतना कहकर वो पेट पकड़कर वॉशरूम की तरफ भागती है। अब इतने कुरकुरे खाए थे तो ये तो होना ही था, जिसके बाद उसका पेट खराब हो जाता है और 2 दिन तक वो कुछ नहीं खा पाती। 2 दिन बाद जब वो ठीक हो जाती है तो फिर से हाथ में कुरकुरे लिए घर आती है, जिसे देखकर उसका भाई बोलता है, तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है ना? माँ देखो, ये फिर कुरकुरे खा रही है। कौन कौन लाया कुरकुरे? ये आपकी औलाद, और कौन? अरे नासपीटी, अपने पेट में फिर से तबाही मचानी है क्या तुझे? पता है ना, 2 दिन तूने टॉयलेट में बिताए हैं। अरे मुझे सब याद है, और मेरा पेट खराब इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने एक साथ इतने सारे कुरकुरे खा लिए थे। अब मुझे ये बात समझनी चाहिए ना कि अगर एक साथ इतना सब कुछ खाऊंगी तो पेट में गड़बड़ तो होगी ही। जब पेट खराब होकर इतना ज्ञान आ ही गया है तो फिर क्यों कुरकुरे ले आई? क्योंकि मैं इस कुरकुरे की चाट बनाने वाली हूँ, जो हम सब मिलकर खाएंगे। आप लोग वेट करो, मैं यूं गई और यूं आई। इतना कहकर वो किचन में चली जाती है और प्याज टमाटर हरी मिर्च काट कर एक बड़ी सी कटोरी में सारे कुरकुरे डालकर उसमें मिक्स कर देती है, और ऊपर से नींबू का रस डालकर खट्टी तीखी कुरकुरे की चाट बना कर ले आती है। तो देखती है कि उसकी पड़ोसन माला उसकी माँ से बात कर रही है, और तभी माला की नजर कविता के हाथ में रखी चाट पर जाती है और वो बोलती है, अरे कविता बिटिया, वहाँ काहे खड़ी है? ला, हमें भी दिखा, कहाँ बना कर लाई है? कुछ नहीं आंटी, आप बातें करो ना। अरे बातें तो होती रहेंगी, तू नाश्ता पानी तो करवा दे। अरे यार, ये तो पीछे ही पड़ गई। अरे क्या सोच रही है, माला आंटी को भी चखा दे अपने कुरकुरे वाली चाट। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ना चाहते हुए भी कविता माला को चाट खाने को दे देती है। माला और कावेरी मिलकर कविता की बनाई चाट चखते हैं। तभी माला बोलती है, अरे वाह कविता, बड़ी चटपटी चाट बनाई हो। हाँ कविता, तूने पहली बार में बढ़िया चाट बना डाली। अरे थोड़ी और है तो कटोरी भर ला दे जरा, अपनी मुनिया को भी चखाऊंगी तेरी ये कुरकुरी चाट। कहाँ आंटी, जितनी बनाई थी सारी आप चट कर गई। अभी तो मेरे खाने के लिए भी नहीं है, आपको कटोरी भर कर कहाँ से दूँ? कोई नहीं, अगली बार बनाइयो तो याद से मेरे घर देना, मत भूलियो। हाँ चलती हूँ। कविता की बनाई सारी कुरकुरी चाट चट करके माला वहाँ से चलती बनती है। ऐसे ही समय बीतता है और ऐसे ही कविता कुरकुरे को अलग अलग तरीके से खाने लगती है और उसे नई नई रेसिपीज बनाने की कोशिश किया करती है। एक दिन वो कुरकुरे को मिक्सी में डालकर उसका चूरा बना लेती है। मिक्सी की आवाज से कावेरी किचन में आती है और बोलती है, और रसोईया क्या बनाने की तैयारी चल रही है? माँ आज मैं बताऊंगी नहीं, सीधा खिलाऊंगी। और हाँ, जो भी बनाऊंगी उसमें कुरकुरे का तड़का जरूर होगा। अरे ऐसा भी क्या बनाने वाली है, बोल भी दे। माँ जाओ ना आप, जब बन जाएगा तो खुद पता चल जाएगा। कविता के कहने पर कावेरी किचन से चली जाती है और कुछ देर बाद अपनी बनाई डिश को ढककर हाथों में लेकर आती है और चीकू बोलता है, लो माँ, पूरे 2 घंटे पर किचन से बाहर आई है, पता नहीं कौन सी खिचड़ी बना रही थी। तभी कविता अपनी बनाई डिश का ढक्कन हटाती है तो उसमें ब्रेड रोल होता है, जिसे देखकर चीकू हंसते हुए बोलता है, अरे ओ, तूने 2 घंटे में ये ब्रेड रोल बनाए हैं? अच्छा अच्छा, तो इसमें तूने आलू की जगह कुरकुरे भरे होंगे। ओ गधे, पहले खा तो ले फिर बकवास छाप लियो अपनी। तभी दोनों उसके बनाए रोल को चखते हैं और कावेरी बोलती है, वाह वाह, ये तो बड़े क्रंची हैं, पर इसमें कुरकुरे कहाँ हैं? माँ ये इतना क्रंची इसलिए है क्योंकि मैंने ब्रेड रोल में कुरकुरे को चूर कर डाला था और फिर उसे फ्राई किया। अरे वाह, तेरे कुरकुरे तो बड़े कमाल के निकले, ले ले तू भी खा। जिसके बाद तीनों मिलकर क्रंची ब्रेड रोल को खाने का आनंद उठाते हैं।
अनीशा अपने बॉयफ्रेंड समर के साथ पार्क में होती है, जहां समर उसको एक पेड़ से लगे झूले पर झूला झूला रहा होता है। तभी अचानक से वो झूला टूट जाता है और अनीशा धड़ाम से नीचे गिर जाती है। समर उस पर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, मोटी तुम्हारा वजन तो कोई नहीं झेल सकता, यहाँ तक कि ये झूला भी नहीं। तुम्हारा तो काम ही है मेरा मजाक बनाना, बस मौका मिलना चाहिए जनाब को, हो जाते हैं शुरू। अरे मोटी पतली तो हो जा पहले, वरना तुम्हारा वजन देखकर हाथी भी शर्मा जाएगा। अब है ना तुम देखते जाओ मैं कैसे एकदम जीरो फिगर बनाकर दिखाती हूँ तुम्हें। अरे तुम और पतली, अच्छा मजाक था। तुम्हें पता है इसके लिए डाइटिंग करनी पड़ती है और फास्ट फूड खाना बंद करना पड़ता है। हाँ हाँ, अब तो मैं तुमसे तभी मिलूंगी जब मैं अपना जीरो फिगर बना लूंगी। टाटा बाय बाय। इतना बोलकर अनीशा वापस अपने घर आ जाती है और अगले दिन बाजार में बहुत सारी सब्जियां ले आती है और सैलड बनाने लगती है। ऐसे ही अनीशा अब सब कुछ खाना पीना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सैलड ही खाया करती। अब उसे भूख लगती तो भी वो सिर्फ सैलड ही खाती। धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगता है और वो पहले के मुताबिक पतली हो जाती है और अगले ही दिन वो समर के पास जाती है। जैसे ही समर उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है और कहता है, वाओ बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही हो तुम बेबी आज, तो चले वहाँ। कहाँ? रिजॉर्ट, वहाँ तुम स्विमिंग पूल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आना और अपनी हॉट हॉट अदाओं से मुझे प्यार करना। ओके बेबी। दोनों रिजॉर्ट जाते हैं और वहाँ पर अनीशा एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लेती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं कि तभी समर उसके साथ मस्ती करते हुए उसे गोद में उठाकर पूल में फेंक देता है। स्विमिंग पूल में दोनों एक दूसरे के पास खड़े होकर एक दूसरे को जूस पिलाते हैं और दोनों अपने इस लम्हे को खूब एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अनीशा और समर दोनों अपने इस प्यार को शादी के पवित्र बंधन का नाम दे देते हैं। समर उसे अपने घर ले आता है, जहां पर उसकी माँ कुंती देवी उनका बड़े ही प्यार से स्वागत करती है। अनीशा अपने ससुराल में आकर सभी के लिए खाना बनाया करती, लेकिन अपने लिए सिर्फ और सिर्फ सैलेड ही बनाया करती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उससे बोलती है, बहू अरे तू सारा दिन सलाद खाती रहती है, तुझे कोई बीमारी वगैरह है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे सलाद खाना बहुत पसंद है। अरे बड़ी मुश्किल से पतली हुई हूँ मैं, कहीं खाना खाकर फिर से मोटी हो गई तो? अरे ऐसा भी होता है क्या कि खाना खाने से कोई मोटा हो जाए? अरे खाना खाया कर वरना मर जाएगी एक दिन। अरे माँ जी मैं नहीं चाहती कि मैं फिर से मोटी गोलगप्पा हो जाऊँ। ठीक है जो तुझे ठीक लगे तू वो कर। ऐसे ही अनीशा को जब भी भूख लगती वो सिर्फ और सिर्फ सैलेड ही खाया करती और धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा स्लिम हो जाती है। ऐसे ही एक रात समर बड़े ही रोमांटिक मूड में होता है, तो वहीं अनीशा ने भी बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहनी होती है। तभी अचानक से समर उसे एक चॉकलेट देता है और उसे बोलता है, डार्लिंग इसे हम दोनों अपने रोमांटिक तरीके से खाएंगे। पागल वागल हो गए हो क्या, अगर मैं ये सब खाऊंगी तो फिर से मोटी हो जाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो यार, ऐसा कहीं नहीं होता समझी? हाँ होता है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा स्लिम ट्रिम फिगर फिर से खराब हो जाए। चलो मत खाओ ये, मगर मेरे साथ मिलकर इस रात को हसीन तो बना सकती हो ना? हाँ मेरे हलकट। हलकट और मैं? हाँ तुम। अभी बताता हूँ तुम्हें इस हलकट की हरकत। समर बड़े ही प्यार से उसके हाथों को किस करता है। अगले दिन जब अनीशा सुबह उठती है तो उसे अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। समर उसे उठाकर बेड पर लिटाता है और तुरंत डॉक्टर को फोन करके घर बुला लेता है। थोड़ी ही देर के बाद जब डॉक्टर आते हैं तो अनीशा का इलाज करके बताते हैं, जी देखिए आपकी पत्नी के शरीर में खून की मात्रा बहुत कम है। जी वो डाइटिंग पर है ना, उसको अपना मोटापा कम करना है इसीलिए। डाइटिंग मोटापे से भी ज्यादा खतरनाक है, कम कैलोरी और कम फूड लेकर मोटापा और वजन कम करने के नुकसान बहुत ज्यादा हैं। डाइटिंग से मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर तो पड़ता ही है, इससे मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है। जी ये तो सारा दिन सलाद ही खाती है, इसको जब भी भूख लगती है ये बस सलाद ही खाती है। जी देखिए सैलेड भी तब फायदा करता है जब आप प्रॉपर डाइट लें और प्रोटीन लें।
जी ठीक है, अब मैं अपनी पत्नी का ध्यान रखूंगा। डॉक्टर के जाने के बाद समर अनीशा के लिए बड़े ही प्यार से खाना लेकर आता है और उसको खिलाने की बहुत कोशिश करता है कि तभी अनीशा समर से कहती है, मुझे नहीं खाना समर, अगर मुझे कुछ खिलाना ही है तो प्लीज मुझे थोड़ा सा सलाद खिला दो ना, ये सब खाकर मुझे मोटे नहीं होना। मोटी हो भी गई तो क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे मोटापे से। तुम कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। देखता हूँ कैसे नहीं खाती हो तुम। समर उसे जबरदस्ती खाना खिलाता है लेकिन अनीशा गुस्से में उठकर बाथरूम में जाकर सारा खाना मुंह से निकाल देती है जिससे समर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाकर बोलता है, अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, कब से बोल रहा हूँ कि खा लो खाना मगर नहीं, तुम्हें तो समझ ही नहीं आता। ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे मर्जी जीऊँ। ठीक है मत खाओ खाना, अब जब तक तुम सही तरीके से खाना नहीं खाओगी तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। हाँ हाँ मत खाओ, मैं भी देखती हूँ कब तक नहीं खाते हो। इतना सब होने के बाद समर खुद भी खाना पीना छोड़ देता है और दो दिन के बाद समर को बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होती है जिससे वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। तभी अनीशा तुरंत डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती है और डॉक्टर जब आते हैं तो वो समर को चेक करके अनीशा से कहते हैं, जी इन्होंने लास्ट टाइम खाना कब खाया था? जी परसों। अरे कैसी पत्नी हो आप, आपको जरा भी ख्याल नहीं है अपने पति का, खाना ना खाने की वजह से इनको कमजोरी हो गई है, इनके खाने पीने पर ध्यान दीजिए आप। जी डॉक्टर मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। डॉक्टर के जाने के बाद अनीशा खाना लेकर समर के पास जाती है और उससे कहती है, समर प्लीज खाना खा लो, गुस्सा थूक दो ना। ये मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, कैसे भी जीऊं, तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से मैं कभी कुछ नहीं कहूँगी, पर तुम खाना खा लो प्लीज। पक्का? तुम पहले प्रॉमिस करो मुझसे। पक्का प्रॉमिस, अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और फिर प्यार से गले लगा लेते हैं जिसके बाद वो दोनों कभी भी ऐसी जिद नहीं करते और अनीशा भी अब हमेशा के लिए सैलेड खाना कम कर देती है। वो उसे तभी खाती है जब उसकी जरूरत होती है और फिर सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सूरज नाम का एक गुजराती डिकरा पार्क में कानों में हेडफोन लगाए जॉगिंग कर रहा था। भागते भागते वो बहुत ही ज्यादा थक गया था और अपने लिए एक शांत जगह की तलाश कर रहा था। ऐसे ही एक बेंच जब उसे दिखाई देता है तो वो वहां जाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर के बाद उस पार्क में 52 गज का लाल जोड़ा पहने अंजलि नाम की लड़की रोती हुई आ जाती है और सूरज के साथ में आकर बैठ जाती है। सूरज उसको देखता ही रह जाता है और मन ही मन कहता है, हूर थी या परी या जैसे गुलाब की पंखुड़ी, आंखों में थोड़ा सा गुस्सा, चेहरे पर कोहिनूर सी चमक, ऐसा लगता है जैसे प्यार का एक फूल मेरे दिल में खिल गया हो। कितनी प्यारी और मासूम सी लड़की है। के बात है, कोई छोरी नहीं देखी क्या कदे, एक मुक्के में ना दोनों आग सेट कर दूंगी। सूरज जितनी प्यारी दी थी भगवान ने, जीव उतनी ही काली। रे समझ नहीं आ रही क्या तने, या जूती देखी है 7 नंबर की है, या तेरी जो बगड़ बिल्ले जैसी शकल है ना, पति मार मार कर लाल कर दूंगी। सूरज वहाँ से भाग जाता है और अंजलि का चेहरा अपने मन में याद करके उस पार्क के 2 चक्कर और लगा लेता है और थक हार कर फिर से अंजलि के पास आकर बैठ जाता है। तभी अंजलि गुस्से में उससे कहती है, इस पार्क के 2 चक्कर काट के तू फिर अड़े आ गया, केजी में आ रही है तेरे। मुझे खुद पता नहीं चला कि कब मैंने इस पार्क में 2 चक्कर लगा दिए। ईसा के देख लिया जो 2 चक्कर लगा दिए तने। आपका खूबसूरत चेहरा। रब बावड़ी बूझ है के, तेरे घर में माँ बहन कोनी, उन्हें देख कर लगा लिया कर 2 चक्कर, आया बड़ा। ये सब छोड़ो, ये बताओ आप रो क्यों रहे हो, और वो भी ये 52 गज का दामन पहने, क्या है ये सब? यो दामन है पूरे 52 गज का, मारे हरियाणा का कल्चर है, और मैं रोऊ क्यों? क्योंकि मैं अपने गांव तक भाज के आ रही हूं। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप मेरी शादी एक बूढ़े से अमीर गैला करवावे थे और मने उस ताई शादी नहीं करनी थी, जा ताई मैं आड़े आगी भाग के, पर इब तो मने कुछ समझ ही नहीं आता, कित जाऊँ कित मरूँ क्या करूँ।
मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। इस वक्त आपको कैसा लग रहा होगा, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अगर आप चाहो तो। ठीक से देखण में भी तू बड़ा मानस ही लग गया मने ते, और अड़े मैं किसे ना जानू भी कोनी। चल तू ए मदद कर दे फिर आज मेरी। वो उसे एक कमरा रेंट पर दिलवा देता है जिससे दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। थोड़ी ही देर के बाद सूरज उसके खाने पीने का सारा इंतजाम कर देता है और अब वो अपना ज्यादातर वक्त अंजलि के साथ ही बिताने लगता है। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दिन फाइनली एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और किसी को भी बिना बताए कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। साथ ही सूरज अंजलि को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाता है, जहाँ पर सूरज की माँ दया बहन गुस्से से बोलती है, आशुचे सूरज दिखरा, तुम्हें इस बात की इजाजत किसने दी? माँ वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप किसी दूसरे कल्चर कास्ट में शादी करने के लिए मानती नहीं, इसलिए मैंने ये सब किया। बस तेरे ही वास्ते इस छोकरी को मैं अपनी बहू मान रही हूँ, वरना तो कसम ढोकले की मैं इस छोकरी को अपने घर में ना घुसने दूँ। हाँ, दया बहन उनका स्वागत घर में करती है। इसी तरह अगले दिन अंजलि अपने घर में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी टीवी पर हरियाणवी सॉन्ग 52 गज का दामन चल रहा होता है। वो ये गाना सुनकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कमर हिलाकर हरियाणवी स्टाइल में डांस करने लगती है, तो कभी झाड़ू को गिटार बनाकर बजाते हुए डांस करती है। तभी अचानक से वहाँ पर दया बहन आ जाती है और उसे गुस्से से बोलती है, हे कृष्ण भगवान, आशु करे छे डफा डफोर छोकड़ी, का हो गया तुझे? तू इस घर की बहू है, कोई नचनिया नहीं जो ऐसे ठुमके लगा रही है, तने शर्म नहीं आवे छेके? सासू माँ मने समझ नहीं आती आपकी दिक्कत क्या है। अरे मैं हरियाणा से आ रही हूँ, फिर भी आपके गुजराती कल्चर ने अपनान लाग रही, और आप रोज के रोज या जात पात का विरोध करने लाग रहे। अरे आप ताई एक बात कह दूं साफ साफ, इन सब में ना कुछ नहीं रखा, हंसते हंसते मने अपनी बेटी समान मान लो। अवे ता मैं मने समझावो छो, भूलसो नहीं कि ए मेरा घर छे, आने वीजी बात अपनी जुबान ज्यादा छुरी की तरह चलाओ नहीं। अरे सासू माँ, इस घर में रहने का ना मेरा परमानेंट हक है। अरे बहू मैं इस घर की, समझ गए आप? और रही बात मेरे बोलने की ना, तो मैं हूँ हरियाणा से, अरे सीधी बात भी बोलूंगी ना तो नू लगेगा जुन गोली चलगी, आलट डालो आप अब इसकी। अरे तेरे से तो बात करना ही बेकार है, जरा अपन समझी सकिया नहीं देहातन कहीं की। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अंजलि घर का काम ही कर रही होती है कि तभी दया बहन एक बार फिर से अंजलि पर चिल्लाते हुए बोलती है, ए छोकरी, हमारे घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहेगी तू, यहाँ हरियाणवी पहरावा नहीं गुजराती पहरावा चाले छे। लो बस इतनी सी बात? अरे सासू माँ पहनावे तो क्या हो गया, अगर आपकी खुशी इसी में है तो लो मैं गुजराती घाघरा पहन लूंगी। अभी के अभी साड़ी पहन करा, आने विजी बात ये 52 गज का दामन कभी मत पहनियो। दोनों सास बहू की खट्टी मीठी नोक झोंक इसी तरीके से होती रहती है। ऐसे ही एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनकी सोसाइटी में एक गरबा कंपटीशन होने वाला है, जिसमें अंजलि और दया बहन दोनों ही हिस्सा लेती हैं। दोनों इसकी रात दिन खूब प्रैक्टिस करती हैं। ऐसे ही कंपटीशन वाले दिन सभी लोग गुजराती ड्रेसअप में गरबा खेलते हैं, लेकिन अंजलि हरियाणवी लुक में ही गरबा खेलती है। थोड़ी देर के बाद जजेस गरबा कॉम्पिटिशन का विनर नेम अनाउंस कर देते हैं और जजेस में से एक जज सामने स्टेज पर आते हैं और अंजलि के पास आते हुए उसे ट्रॉफी देते हैं, साथ ही गरबा कंपटीशन का विनर भी बताते हैं। तभी उनमें से एक जज बोलती है, अंजलि राणा जी, आप एक हरियाणवी कल्चर की होके भी गरबे को आपने इतने अच्छे से खेला और वो भी अपना कल्चर समझकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी मेरी इस जीत के पीछे ना सिर्फ और सिर्फ मेरी सासू माँ का हाथ है जी, उनको देख देख के ही मैंने गरबा प्रैक्टिस किया था और आज तो यह बात साबित होगी कि हर बच्चे की जीत के पीछे उसकी माँ का हाथ हो, वह चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ये सब देखकर दया बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहू के लिए तालियां बजाने लगती है
उसको देखकर सभी लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। तभी अंजलि बोलती है, वैसे जी मैं आप सबको ना एक पैगाम देना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना जी सारे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और अशोक सम्राट जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील की दूरी पर रूप रंग पहनावा और मजहब बदल जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती है। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। हम सब एक हैं। पहरावा अलग होने से इंसान अलग नहीं हो जाता, धर्म अलग होने से इंसान अलग नहीं हो जाता। जिस तरह लोग हरे रंग को मुस्लिम और लाल रंग को हिंदू बताते हैं, तो मेरे दोस्तों ये बताओ कि तरबूज किसके हिस्से में आता है, हिंदू या फिर मुस्लिम? सभी लोग खड़े होकर अंजलि के लिए अप्लॉज करते हैं। दयाबेन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी हरियाणवी लुक में बहू को हंसी खुशी अपना लेती है। साथ ही घर आने के बाद दोनों सास बहू मिलकर 52 गज का दामन गाने पर खूब डांस करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।